नमस्कार, आज हम एन सी आर टी क्लास ट्वेल्थ चैप्टर सिक्सटीन दैनिक जीवन में रसायन यानी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का अध्ययन करेंगे इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार आप विचार करें कि हम जब सुबह सोकर उठते हैं उससे देर रात सोने तक जिन किन्नी से हम इंट्रेक्शन करते हैं जो वस्तुएं हम काम में लेते हैं वे सबकी सब केमिस्ट्री की, सब की ही देन है विचार कीजिए सुबह उठकर जब हम अपने दांत साफ़ कर रहे हैं यानी कि हम टूथपेस्ट कर रहे हैं तो वो टूथपेस्ट क्या है वो भी एक तरह का केमिकल कंपाउंड है जो ब्रश आप काम में ले रहे हैं वो भी एक पॉलीमर है जो भी एक रसायन की देन है आप जब नहाते हैं तो नहाते समय जो आप साबुन काम में ले रहे हैं वो भी एक केमिकल कंपाउंड है यानी केमिकल कंपाउंड से मिलकर वो बना हुआ है इसको जो, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब क्या है वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो हम कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट कम में ले रहे हैं वे भी केमिकल कंपाउंड से मिलकर बने हैं हम जो कुछ खा रहे हैं हम जो नाश्ता कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स काम आ रहे हैं इसके अलावा जब हम ऑफिस जाते हैं स्कूल जा रहे हैं कॉलेज जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो वहाँ जो हम ऑटोमोबाइल्स काम में ले रहे हैं जो यातायात का साधन काम में ले रहे हैं उसमें फ्यूल जो डाला हुआ है वो भी एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है इसके अलावा जो हम कॉपी किताब पेंसिल रबर स्केल जो कुछ भी काम में ले रहे हैं वे कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की ही देन है हम रात को सोने जाते हैं उस समय हम मॉस्किटो मैट लगा रहे हैं वो भी एक केमिकल कंपाउंड है तो इस तरह से आप विचार करेंगे जब आप अपने आसपास देखेंगे आप चाहे अपने क्लासरूम में देखिए ऑफिस में देखिए स्कूल में देखिए या अपने घर पर देखिए ड्राइंग रूम में देखिए किचन में देखिए आपके बेडरूम में देखिए हर जगह आपको जो कंपाउंड्स मिलेंगे हर जगह जो आपको वस्तुएं मिलेंगी वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की ही देन होंगी वो रसायन का ही आविष्कार है उसके बाद भी हम इन सबको काम में ले रहे हैं तो हम चारों तरफ से हम रसायन की देन से घिरे हुए हैं दैनिक जीवन में रसायन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में जो हम चर्चा करेंगे वो केवल हम तीन चीजों की करेंगे एक हम करेंगे मेडिसिन की यानी कि हम दवाइयों की बात करेंगे कि हम हम जब बीमार पड़ते हैं तो उस समय हम कौन कौन सी दवाइयाँ लेते हैं और किस प्रकार की बीमारी में कौन से प्रकार की दवाई ली जाती है या औषध ली जाती है उसकी हम बात करेंगे दूसरा हम बात करेंगे फूड प्रिजर्वेटिव्स की या हम कहें खाद्य पदार्थों में रसायन या या भोज्य पदार्थों में रसायन खाने वाली चीजों में कौन कौन से रसायन काम में आते हैं दूसरी इसकी बात करेंगे और तीसरी जो बात करेंगे वो हम सोप एंड डिटर्जेंट्स की बात करेंगे यानी कि हम क्लिनजिंग रिएजेंट्स की बात करेंगे जिसमें कि सफ़ाई की, की क्रिया में साबुन और डिटर्जेंट जो काम में लेते हैं उनके हम विस्तार से पढ़ेंगे तो एक एक करके हम इसमें विस्तार से पढ़ते जाएंगे तो आज की क्लास में जो हम विस्तार से बात करेंगे वो हम किसकी बात करेंगे मेडिसिन की बात करेंगे दवाइयों की बात करेंगे औषध की बात करेंगे कि औषध कितने प्रकार की होती हैं ये औषध कैसे काम करती हैं हमारी सेल में इनका कैसे इंटरेक्शन होता है इसको आज हम इस वाली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे हम चर्चा करेंगे और चित्रों के माध्यम से भी सीखेंगे कि औषधि किस प्रकार से हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है दैनिक जीवन में रसायन रसायन विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत उपयोग है जैसा कि मैंने पहले बात की थी साबुन बहुलक यानी पॉलीमर घरेलू सामग्री विरंजक विस्फोटक पदार्थ ईंधन रॉकेट प्रोपेलेंट भवन निर्माण में काम आने वाली सामग्री इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस या विद्युत उपकरण सभी रसायन की खूबसूरत करती है खाद्य पदार्थ और अपमार्जक भी रसायन के उपयोग है जिनका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे औषध एवं उनका वर्गीकरण औषध कम अणु द्रव्यमान लगभग 100 यू से 500 U यू की रसायन होती है यह वृद्ध आणविक लक्ष्यों से अन्योन्य क्रिया करके जैव प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं। जब जैव प्रतिक्रिया चिकित्सीय और लाभदायक होती है तब इन रसायनों को औषध कहते हैं इनका उपयोग रोगों के निदान निवारण और उपचार के लिए किया जाता है बात समझने की कोशिश करें है क्या ये ऐसे केमिकल्स जिनको एक हम सर्टेन अमाउंट में ले रहे हैं निश्चित मात्रा में ले रहे हैं और वो निश्चित मात्रा में जब केमिकल वो हम ले रहे हैं और वो हमें क्या करते हैं बायोलॉजिकल एक्शन करें और ऐसा बायोलॉजिकल एक्शन करे जो चिकित्सा रूप से लाभदायक हो जिससे किसी बीमारी को ठीक किया जा सके तब उन रसायनों को उन केमिकल्स को हम क्या कहते है? कहते हैं 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 औषध काम लेते विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट में यानी कि उपचार में इनको काम में लिया जाता है औषध का वर्गीकरण औषध को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं पहला है भेषज गुण विज्ञानीय प्रभाव के आधार पर इसका मतलब है ऑन द एक्शन ऑफ फार्मोलॉजिकल एक्शन इसका मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ कि ऐसे हम रसायन तैयार करें या ऐसे रसायन हम लें जो चिकित्सकों के लिए उपयोगी हो और विशेष प्रकार के उपचार में ये बहुत सारी मेडिसिन या बहुत सारे रसायन उपलब्ध कराएं यानी कि उनका जो फार्मोलो का जो इलेक्शन हो वो बिल्कुल एक समान हो जैसे मानो कि ये एक बीमारी है उस बीमारी को ठीक करने के लिए हमारे पास चार पाँच छः सात तरह के केमिकल हैं तो हम उन सबको एक वर्ग में रखेंगे वो एक वर्ग में क्यों रखेंगे क्योंकि उनका फार्मोल को जो लॉजिकल जो एक्शन है वो बिल्कुल एक समान होगा तो ऐसे दवाइयाँ या ऐसे रसायन जिनका एक्शन एक समान होता है उनको हम एक वर्ग में रखते हैं जैसे एग्जाम्पल से पीड़ा हारियों का पीड़ा नाशक असर होता है ठीक है इसी प्रकार से एंटीसेप्टिक्स ये क्या करते हैं एंसीसेप्टिक सूक्ष्म जीवों को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करते हैं अथवा उनकी वृद्धि रोकते हैं तो जितने भी एंटीसेप्टिक्स हैं उनको सबको एक वर्ग में रखेंगे जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं उनको एक वर्ग में रखेंगे जितने भी एनालजेसिक वर्ग में रखेंगे तो इस प्रकार से इनका वर्गीकरण फार्माकोलॉजिकल एक्शन के आधार पर किया गया दूसरा औषध के प्रभाव के आधार पर मतलब किसी भी बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल एक्शन में उस मेडिसिन का क्या प्रभाव होता है उसके आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया कि यह किसी विशेष जैव रासायनिक प्रक्रम पर औषध के प्रभाव पर आधारित है उदाहरणार्थ हिस्टामिन यौगिक जो शरीर में शोथ उत्पन्न करता है उसके प्रभाव को सभी प्रतिहिस्टामिन कम कर देते हैं तो हिस्टामिन क्या है कि शरीर में स्वेलिंग कर रहा है या शोथ उत्पन्न कर रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कुछ एंटीहिस्टामिन काम में लेंगे तो एंटी स्टामिन के जितने भी एंटी स्टामिन है उन सबको हम क्या करेंगे एक वर्ग में रखेंगे तो औषध के प्रभाव के आधार पर जो ड्रग या ड्रग के इफेक्ट के आधार पर भी इनका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं तीसरे प्रकार का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर या रासायनिक संरचना के आधार पर तो ऐसी औषधियाँ जिनका की संरचना समान होती है जब जैसे जनरली ये होता है जिनके केमिकल स्ट्रक्चर समान होगी उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी समान होगा तो ऐसी दवाइयां या ऐसी मेडिसिन जिनका की स्ट्रक्चर केमिकल स्ट्रक्चर समान हो तो वो एक जैसी रिएक्शन दिखाती है उनकी कैरेक्ट्रिस्टिक प्रॉपर्टी एक जैसी होती है तो रासायनिक संरचना के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर भी इनका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल्स लक्षणियों आधार पर अब इसको समझने की कोशिश करो हमारे शरीर में बहुत अधिक बायो मॉलिक्यूल्स हैं बायो मोलिक्यूल जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन न्यूक्लिक एसिड ऐसे बहुत सारे बायो मोलिक्यूल्स हैं तो उन बायो मोलिक्यूल्स पर अब कार्बोहाइड्रेट पर जो जो अटैक करेंगे उनको एक श्रेणी में ले लेंगे प्रोटीन पर जो अटैक करेंगे या प्रोटीन से जो इंटरेक्शन करेंगे उनको हम एक श्रेणी में ले लेंगे तो इस प्रकार से टारगेट मॉलिक्यूल पर जो आक्रमण होगा या जो अन्योन्य क्रिया होगी या जो इंटरेक्शन होगा उसके आधार पर भी इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं जैव अणुओं जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड से इंटरेक्शन करते हैं जिन्हें लक्ष्य लक्ष्य अणु अथवा औषध कहते हैं यानी ड्रग टारगेट कहलाते हैं ये या टारगेट मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं समान संरचनात्मक विशेषताओं वाली औषधों के लक्ष्यों पर क्रियाविधि भी, भी समान होती है औषध लक्ष्य या ड्रग टारगेट क्या होते हैं जैविक वृद्रणु शरीर में विभिन्न प्रकार से क्रिया करते हैं उदाहरणार्थ Osionfish. जैव उत्प्रेरक का कार्य करने वाले प्रोटीनों को एंजाइम कहते हैं ऐसे प्रोटीन जो क्या करते हैं बायो कैटलिस्ट की तरह से काम होता आते हैं या जैव उत्प्रेरक की तरह से काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम एंजाइम बोलते हैं हमारे शरीर में एंजाइम का बहुत अधिक रोल है अब इससे आगे की बात समझो जैसे ऐसे प्रोटीन जो शरीर में संचार व्यवस्था में निर्णायक होते हैं यानी कि जो संदेशों को भेजने में काम में आते हैं उनके ग्राही कहते हैं वाहक प्रोटीन ध्रुवीय अणुओं को कोशिका कला के आरपार ले जाते हैं ऐसे मैसेंजर्स प्रोटीन हैं जो क्या करते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है उस सेल मेम्ब्रेन्स में जो पोलर मॉलिक्यूल्स को इधर उधर ले जाने का सेल मेम्ब्रेन्स के बाहर और बाहर से सेल मेम्ब्रेन से अंदर सेल में ले जाने का काम करते हैं तो सभी जो बायो हैं उनका अलग अलग काम होता है और अलग अलग काम के आधार पर ही जो ड्रग है वो उनको टारगेट बनाती है उन पर वो करती है, करती है. का उत्प्रेरक का है। जैसे तो औषध तथा एंजाइम के मध्य अन्योन्य क्रिया को समझने के लिए यह जानकारी आवश्यक है कि एंजाइम अभिक्रिया का उत्प्रेरण कैसे करते हैं पहले तो हम ये सीखे एंजाइम उस रिएक्शन को कटेलाइज कैसे करेगा समझने की कोशिश करो जैसे मानो कोई एक बायो बायोमोलिक्यूल है वो कोई भी रिएक्शन कर रहा है तो वो ऐसे सीधे रिएक्शन नहीं करेगा क्या करेगा कि वो पहले क्या करेगा एंजाइम के साथ में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलकर या क्रियाधार के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाया जैसे हम e क्या ई e प्लस एस ई एस बन गया एक कॉम्प्लेक्स बन गया वो कॉम्प्लेक्स क्या बना जिसमें कि एंजाइम किसके साथ जुड़ गया वो एंजाइम जुड़ गया सबस्ट्रेट के साथ में तो उसके बाद फुरबूज एंजाइम क्या करता है एक तो सबस्ट्रेट को पकड़े रखता है सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम बहुत सारे बॉन्ड से जुड़ा रहता है या तो वो जुड़ा रहेगा वंडरवाल बॉन्ड से या कोवलैंड बॉन्ड से या आयनिक बॉन्ड से या हाइड्रोजन बॉन्ड से ऐसे बहुत सारे प्रकार के बॉन्ड से जुड़ेगा तो एंजाइम ने क्या किया एंजाइम किससे जुड़ा सबस्ट्रेट से अब जब वो सबस्ट्रेट से जुड़ गया तो उसने एक उसको बेस प्रदान कर दिया अब ये बेस जब प्रदान किया तो अब ये इंट्रैक्शन करेगा कौन इंट्रक्शन करेगा रहा है सबस्टेट इंट्रेक्शन करेगा तो एंजाइम सबस्टेट के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है उसके साथ ये बॉन्डिंग से जुड़ जाता है और बाद में ये जो एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या कोई एक रिएक्शन करेगा और वो एंजाइम बाद में उससे अलग हो जाता है तो एक काम तो इसका ये है और दूसरा ये है कि ये फंक्शनल ग्रुप प्रोड्यूस करता है ये क्रियात्मक समूह उत्पन्न करवाता है जहाँ पर की अभिक्रियाएँ होती हैं तो ये एंजाइम एक उत्प्रेरक तो की तरह से कार्य करता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा आप समझो देखो एंजाइम ई एस सबस्टेट रिएक्शन कौन करेगा सबस्टेट क्या बनाया ई एस बना दिया ये ई एस जो एक कॉम्प्लेक्स बना ये सबस्टेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और एंजाइम हमें वापस मिल जाएगा तो एंजाइम शुरू में भी था एंजाइम बाद में भी हमें मिल गया तो ये जो एंजाइम यहाँ पर कैसा काम कर रहा है कैटेलिस्ट की काम कर रहा है क्योंकि ये बायोलॉजिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शंस में काम आ रहा है तो हम कहते हैं एंजाइम कैसा काम करता है एक जैव उत्प्रेरक की तरह से काम करता है यहाँ देखो समझने की कोशिश करो डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा एंजाइम की ये सक्रिय सतह है एंजाइम है उसकी क्या ये है अब ये एक्टिव साइट पर कोई भी सबस्टेट जैसे ये सबस्टेट है ये सबस्टेट अब ये सबस्टेट आकर इस पर जुड़ जाएगा और ये इस पर जुड़कर इस प्रकार से जुड़ेगा कि पूरा पार्ट इससे आपस में इस प्रकार जुड़ेगा कि या तो इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा या इससे वंटमाल बॉन्ड बनाएगा या इससे आयनिक बॉन्ड बनाएगा ये इस प्रकार की सतह उत्पन्न करेगा एक्टिव साइट देगा कि की सबस्टेट आकर इससे जुड़ जाए तो जो पहला चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो एंजाइम दिख रहा है इस एंजाइम की आपको क्या दिख रही है एक्टिव साइट दिख रही है ये सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट आकर एंजाइम एंजाइम के साथ जुड़ रहा रहा है 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 को थामे हुए जिसके कारण से वो उसको सरफेस सरफेस या एक्टिव प्रोड्यूस कर रहा है जहां ये रिएक्शन करेगा एंजाइम की सक्रिय सतह पर क्रियाधार अणु को उपयुक्त स्थिति में थामे रखती है जिससे इस पर अभिक्रियक द्वारा प्रभावकारी आक्रमण हो सके तो यह बात आपके समझ में आ गई कि उसने उसको थाम लिया जिससे कि आकर कोई भी रिएक्शन कर सके क्रियाधार एंजाइम की सक्रिय सतह पर विभिन्न प्रकार के जुड़े रहते हैं एंजाइम का एक कार्य और है वो क्या है क्रियाधार को आक्रमण करने रासायनिक अभिक्रिया के लिए फंक्शनल ग्रुप उपलब्ध कराना है जो क्रियाधार पर आक्रमण करके रासायनिक अभिक्रिया करेगा ये दो काम एंजाइम के हैं अब देखें यहाँ पर हम कि एंजाइम ड्रग इंटरक्शन क्या है एंजाइम औषध अन्योन्य क्रिया औषध एंजाइम की उपरोक्त गतिविधियों में से अब किसी में भी एक में अवरोध उत्पन्न करती है यह एंजाइम की बंधनी सतह को अवरोध कर देती है और क्रियाधार के साथ आबंधन में रुकावट डालती है अथवा एंजाइम के उत्प्रेरक कार्य में अवरोध उत्पन्न करती है इसको देखो डायग्राम से समझोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा मैं आगे डायग्राम सिखाता हूँ ऐसी औषधियों को एंजाइम संदमक कहते हैं औषध एंजाइम की सक्रिय सतह पर क्रियाधार के संयोजन में दो प्रकार से अवरोध उत्पन्न कर सकती है अब यहाँ समझने की कोशिश करें देखो जैसे पहले कहा था ये आपको एंजाइम दिख रहा है एंजाइम की ये एक्टिव सरफेस दिख रही है अब है क्या हमने पहले क्या बात की थी हमने कहा था कि ये जो सबस्टेट है वो एंजाइम की सतह पर आ जाता है आ जाने के बाद में फिर ये रिएक्शन करता है या ये इंटरेक्शन करता है किसके साथ में कोई भी केमिकल कंपाउंड के साथ में इसको रोकने के लिए ये जो ड्रग है ये दो तरह से क्रिया करेगी पहले प्रकार से क्या करेगी इससे पहले कि ये क्रियाधार जुड़े ये सब्सटेट जुड़े ये ड्रग उसी प्रकार की है यहाँ कर जुड़ जाती है आप यहाँ देखो यहाँ इनमें कम्पटिशन हो रहा है ये किस में कम्पटिशन हो रहा है सबस्टेट में और औषध में ये सबस्टेट है ये औषध है अब कहीं कहीं पर तो एंजाइम की एक्टिव साइट पर यह क्रियाधार जुड़ जाएगा और कहीं कहीं पर यह औषध जुड़ जाएगा पहले क्या हो रहा था जब हमने ड्रग नहीं ली थी तब तो केवल क्रियाधार जुड़ रहा था सबस्टेट जुड़ रहा था सभी जगह पर अब उसको रोकने के लिए हमने क्या किया ड्रग ली तो अब ड्रग ने क्या किया कहीं कहीं पर क्रियाधार की जगह ड्रग जुड़ गई तो उसने उस एक्शन को कम कर दिया इसको संदमित कर दिया इसीलिए हमने पहली वाली साइड में कहा था इनको संदमन क्रिया कहते हैं अब इस संदमन क्या कर रहे हैं ये कंपटीशन कर रहे हैं तो इस प्रकार के औषधों को हम क्या कहते हैं कंपिटिटिव इनिबिटर कहते हैं या स्पर्धी संदमक कहते हैं कंपटीशन किसके साथ कर रहे हैं सब के साथ कौन कर रहे, है? कर रहे हैं औषधि कर रही है तो हमने यहाँ देखो क्या लिखा है औषध एंजाइम की सक्रिय सतह पर संयोजन के लिए वास्तविक क्रियाधार से स्पर्धा करती है और ऐसी औषधों को हम क्या कहते हैं स्पर्धी संदमक या कम्पिटेटिव एनिबिटर कहते हैं यहाँ आप दिख रहा होगा इस चित्र में आपको कि क्रियाधार की जगह कौन जुड़ गई औषध जुड़ गई है पहले वाले चित्र में हमने क्या देखा था कि सभी जगह क्रियाधार जुड़ रहा था लेकिन यहाँ दोनों तरह की संभावनाएं क्रियाधार भी जुड़ सकता है और औषध भी जुड़ सकता है यानी कि इन दोनों में कंपिटिशन होता है कि कौन जाकर जुड़े कुछ औषध एंजाइम की सक्रिय सतह पर संयोजन नहीं कर सकती हैं यह एंजाइम की भिन्न सतह पर संयोजन करती हैं जिसे एलोस्टरिक सतह कहते हैं इस प्रकार संदमक के एलिस्टरिक सतह पर संयोजन से सक्रिय सतह की आकृति इस प्रकार परिवर्तित हो जाती है कि क्रियाधार इन्हें पहचान नहीं पाता डायग्राम से समझो देखो बात बहुत अच्छे समझ में आएगी अब यह बात समझो देखो पहले हमने क्या कहा पहले हमने ये कहा कि एंजाइम की जो भी एक्टिव साइट है उस एक्टिव साइट पर या तो वो क्रियाधार जुड़ेगा और उसके साथ स्पर्धा या कंपटीशन कौन कर रही है ड्रग कंपटीशन कर रही है जब हम ड्रग लेंगे तो ड्रग भी उससे जुड़ जाती है

अब देखो ऊपर की जो एक्टिव सेंटर थे ये एक्टिव साइट थी उसकी शेप ही चेंज हो गई आपको यहाँ दिख रही होगी पहले वाले डायग्राम में देखें शेप किस प्रकार की है ये शेप उस प्रकार की थी जिस पर कि जुड़ पाता अब जैसे ये एलोस्ट्रिक से ये ये से ड्रग या मेडिसिन जुड़ी अब क्या हुआ यहाँ इसकी ये शेप चेंज हो गई अब जब शेप चेंज हो गई तो वो जो एंजाइम के पास में जो क्रियाधार जुड़ रहा था जो सबस्टेट जुड़ रहा था अब उसको पहचान ही नहीं पाएगा जब पहचान नहीं पाएगा तो जुड़ नहीं पाएगा अब इसने क्या किया उसकी आकृति में परिवर्तन कर दिया एलोस्ट्रिक साइट पर इसने संयोजन किया मेडिसिन ने और उसके पास एंजाइम की जो सक्रिय जो सक्रिय सतह थी एक्टिव सरफेस थी उसकी आकृति में ही परिवर्तन कर दिया जब आकृति में परिवर्तन कर दिया तो ये साइट उससे जुड़ ही नहीं पाएगी जो क्रियाधार है वो उससे जुड़ नहीं पाता है तो ये दूसरे प्रकार का एक्शन है ग्राही औषध लक्ष्य की तरह इसको समझा देखो

ये जहाँ एक ये आपको कर्सर दिखाई दे रहा है ये सेल मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस है बाहरी सतह कोशिका कला की या सेल मेम्ब्रेन की ठीक है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है रिसेप्टर है यानी कि ग्राही है है ठीक और ये ग्राही की या रिसेप्टर की वो सरफेस है जहां पर की आकर बायोमोलिक्यूल या ड्रग कोई आकर इससे जुड़ेगी ये सेल का अंदर का पार्ट है ये भीतरी सतह है तो जब कोई भी केमिकल कंपाउंड आकर यहाँ से जुड़ता है बहुत ध्यान से बात समझने की कोशिश करना केमिकल कंपाउंड कोई भी आकर जुड़ेगा जिसको संदेश देना है जिसे हम क्या कह रहे हैं केमिकल मैसेंजर कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो यहाँ मैसेंजर वो केमिकल वो अंदर की तरफ जाएगा सेल के अंदर आ जाएगा और सेल के अंदर आकर और फिर उसको संदेश देगा वो इसे रिसेप्टर की बाहरी सतह पर ही संदेश देता है जब रिसेप्टर की बाहरी सतह पर संदेश देगा तो वो संदेश अपने आप अंदर पहुंच जाते हैं तो ये जो आउटर सरफेस है रिसेप्टर की वो अपनी आकृति को उसी प्रकार परिवर्तित कर लेती है जिस प्रकार की आकृति केमिकल मैसेंजर की है यानी कि रासायनिक संदेश संदेशवा की है उसी प्रकार से ये आकृति को अपनी को परिवर्तित कर लेती है तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कोशिका कला या सेल सेलमेम्बर का आउटर सरफेस है ये सेल सेलमेम्बर के इनर सरफेस है और ये वो रिसेप्टर्स हैं और रिसेप्टर जनरली क्या होते हैं प्रोटीन्स होते हैं रिसेप्टर जनली क्या है प्रोटीन्स होते हैं है? है। तो कोशिका कला में स्थित ग्राही प्रोटीन या रिसेप्टर प्रोटीन है

इस प्रकार रासायनिक संदेशवाहक बिना कोशिका में प्रवेश किए संदेश को कोशिका के भीतर पहुंचा देते हैं और शरीर में ऐसे बहुत अधिक संख्या में रिसेप्टर्स होते हैं अब देखो यहाँ आपको डायग्राम से और बात समझ में आ जाएगी हमने क्या बात की थी पहले ये इसकी आउटर सरफेस है सेल मेम्ब्रेन की ठीक है ये सेल मेम्ब्रेन की इनर सरफेस और ये वो रिसेप्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये रिसेप्टर की एक्टिव साइट है या यहाँ पर की बाइंडिंग होती है अब ये कोई केमिकल मैसेंजर आया तो जैसे ही केमिकल मैसेंजर इसके परिवर्तन करेगा और चेंज कर लिया और चेंज करके केमिकल मैसेंजर इस पर आकर जुड़ सके ऐसा उसने अपना शेप बना लिया तो केमिकल मैसेंजर ने इसको अपना संदेश दिया जैसे इससे जुड़ा और ये संदेश कहां पहुंच गया ये सेल के अंदर पहुंच जाता है ठीक है जैसे ही यह केमिकल मैसेंजर वापस हटेगा इसकी शेप पहले जैसी हो गई तो पहले में तो क्या है ग्राही यानी यानी कि कि रिसेप्टर्स रासायनिक संवाहक ग्रहण ग्रहण करते करते हुए हुए जो मैसेज मिल रहा है उसको उससे वो जुड़ गया तो आकार में उसके परिवर्तन हो गया और जब वापस से वो छोड़कर चला गया तो उसका आकार पहले जैसा हो जाता है तो इस प्रकार के हमारे शरीर में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं वो रिसेप्टर्स अलग अलग ड्रग के लिए अलग अलग होते हैं ऐसा नहीं कि जो एक कोई ड्रग है उसके लिए सारे रिसेप्टर उसके लिए काम करेंगे में अवरोध करते हैं, उन्हें विरोधी कहते हैं यानी उन्हें एंटागोनिस्ट कहते हैं और दूसरे प्रकार की औषधि वे है जो प्राकृतिक वाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देते हैं इन्हें एगोनिस्ट कहते हैं एक एंटागोनिस्ट एक है एगोनिस्ट यह प्राकृत रासायनिक संदेश वाहक की कमी होने पर लाभदायक होते हैं अब देखो ये दो शब्दों को समझने की कोशिश करो एक तो है एगोनिस्ट और एक है एंटागोनिस्ट इसको ध्यान से आप समझो है क्या और गंभीरता से विचार करना फिर आपको पूरी बात किस तरह से ये ड्रग काम करती है मेडिसिन किस प्रकार से काम करती है ये आपके बात समझ में आ जाएगी हम अभी तक क्या समझ रहे थे हमने कहा था रिसेप्टर्स होते हैं वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं वो मैसेज ग्रैंड करते हैं ठीक है अब मान लीजिए वहां पर कोई एक केमिकल कंपाउंड ऐसा है जो बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न हो गया है संबंधी कोशिश करना हमारे शरीर में वो केमिकल कंपाउंड बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न हो गया है तो वो बहुत ज्यादा संदेश देगा जिसके कारण से बहुत ज्यादा सिक्रिशन होगा ये एक्टिवनेस बढ़ जाएगी सेल की तो क्या होगा जब बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है उस केस में तो हम एंटागोनिस्ट काम में लेंगे एंटागोनिस्ट क्या करेंगे उसकी सरफेस को ब्लॉक कर देंगे कौन सी सरफेस जो एक्टिव सरफेस थी उसको ब्लॉक कर देंगे बात समझा गई जैसे ही ब्लॉक करेंगे अब वो जो केमिकल कंपाउंड है वो जो वो से आकर जुड़ ही नहीं पाएगा जुड़ नहीं पाएगा तो यहां पर जो बहुत अधिक क्रिया हो रही थी वो रुक जाएगी या उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाएगा ये तो कहलाते हैं एंटागोनिस्ट इसी प्रकार से होते हैं एगोनिस्ट मानो जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतना केमिकल प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा केमिकल प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो सेल को वो उतना मैसेज मिल ही नहीं पा रहा मिल नहीं पा रहा तो ऐसे केस में जो हम ड्रग देते हैं या जो मेडिसिन देते हैं वो क्या कहलाती है एगोनिस्ट कहलाती है अब एगोनिस्ट क्या है एगोनिस्ट ठीक उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार के वो केमिकल कंपाउंड या जो जो केमिकल मैसेंजर हैं वो होते हैं यानी कि उनका ये मिमिक करती है मिमिक मतलब ठीक उसी प्रकार का संदेश देती है तो केमिकल कंपाउंड चूंकि कम है वो संदेश दे नहीं पा रहे सेल को एक्टिवेट कर नहीं पा रहे तो हमने क्या किया ऐसी मेडिसिन ली ऐसी ड्रग ली जो कि ठीक उसी प्रकार से कार्य करे उस प्रकार से कार्य करेगी तो वो कहां जुड़ेगी एक्टिव सरफेस पर और वैसे ही मैसेंजर मैसेज देगी जैसे कि वो केमिकल कंपाउंड दे रहा था तो इन प्रकार की औषधियों को हम क्या कहते हैं एगोनिस्ट कहते हैं जैसे मसल्स की बात करें मसल्स का आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में जब आपने पढ़ा होगा तो दो तरह की मसल्स हैं एक एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट पढ़ा नहीं आपने एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट जैसे मानो मैं हाथ को इस तरह से कर रहा हूँ तो ये जो मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ये कहलाती है एगोनिस्ट कहलाती है जो रिलैक्स हो रही है पीछे की तरफ वाली ये क्या कहलाती है ये कहलाती है एगोनिस्ट एगोनिस्ट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और ये एंटागोनिस्ट जो रिलैक्स हो रही है आप याद फुटबॉल खेलते हैं बच्चे तो फुटबॉल जो फुटबॉलर जो खेल रहा है उसका जब उसने किक मारने के लिए पैर को पीछे किया तो पीछे करते समय जो पीछे वाली मसल उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट हुई वो गई एगोनिस्ट और जो रिलैक्स हुई वो एंटागोनिस्ट इसी प्रकार से हम बात करते हैं जो मेडिसिन हम ले रहे हैं तो अब ये एगोनिस्ट है ना देखो ये भी चार तरह की है एगोनिस्ट उस सेल की एक्टिविटी को बहुत अधिक इंक्रीज भी कर सकती है उस सेल की एक्टिविटी को डिक्रीज भी कर सकती है ये चार तरह की होती है एक तो मैक्सिमम एगोनिस्ट कहलाती है उसके बाद में पार्शियल एगोनिस्ट फिर एगोनिस्ट और रिवर्सिबल एगोनिस्ट तो वो जो सेल मेम्ब्रेन है उस सेल मेम्ब्रेन की एक्टिविटी को ये जो एगोनिस्ट है बहुत अधिक इंक्रीज़ भी कर सकती हैं बहुत अधिक डिक्रीज भी कर सकती हैं उतना ही बनाए रख सकती हैं जितना कि वो केमिकल कंपाउंड बना रहा था बहुत अधिक करती है तो मैक्सिमम एगोनिस्ट यदि वो पार्शियल कर रही है तो पार्शियल एगोनिस्ट और यदि उतनी कर रही है जितना केमिकल कर रहा था तो एगोनिस्ट और यदि कम करना है उसको तो रिवर्सिबल एगोनिस्ट कहलाती है रिवर्स एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट कुछ नहीं करती एंटागोनिस्ट उस सेल के रिसेप्टर की एक्टिविटी को कुछ प्रभावित नहीं करती है केवल क्या करती है ब्लॉक कर देती है अब जब इसने ब्लॉक कर दिया तो कोई भी केमिकल मैसेज उसको मिलेगा नहीं तो दोनों तरह की दवाइयां काम में ली जाती है एगोनिस्ट प्रकार की भी एंटागोनिस्ट प्रकार की भी अब जैसे मैंने थायराइड की बात करें बहुत ज्यादा सिक्रिट हो रहा है तो हम आपने पढ़ा होगा ना ये, ये थायरोक्सिन एंजाइम के बारे में अब ये बहुत ज्यादा सिक्रिट हो रहा है तो हमें क्या चाहिएगा एंटागोनिस्ट चाहिएगा कम सिक्रिट हो रहा है तो क्या चाहिएगा एगोनिस्ट चाहिएगा इसी तरह से हम बात करते हैं डायबिटीज के केस में इंसुलिन के लिए कम सीक्रिट हो रहा है तो हम क्या डालेंगे तो ये एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों प्रकार की ड्रग्स हमारे काम में आती हैं दोनों प्रकार की दवाइयां अपने इंपॉर्टेंट रोल है एक ब्लॉक कर रहा है और दूसरा एक्टिवेट कर रहा है कम या ज्यादा करने के लिए विभिन्न वर्गों की औषधों के चिकित्सीय प्रभाव अब यह हम बात करेंगे कि जो थेरेपेटिक एक्शन है वो अलग अलग क्लासेस जो मेडिसिन हैं वो कैसे काम करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे एंटासिड्स की जो हम क्यों कहते हैं हम प्रति अम्ल हमारे जो स्टमक है उसमें आपको मालूम है एसिड सिक्रिट होता है एसिड किसमें सिक्रिट किस लिए काम आता है हमारे भोजन को पचाने के लिए काम में लिया जाता है लेकिन जब जरूरत से ज़्यादा एसिड सिक्रिट हो जाएगा तो वो जो स्टमक के अंदर की लेयर है जो आमाशय की भीतरी सतह है उसमें वो अल्सर उत्पन्न कर देगा घाव उत्पन्न कर देगा तो ऐसी स्थिति में उसको बचाने के लिए पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट काम में लेते थे या एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड्स काम में लेते थे किस लिए काम में लेते थे क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप समझ रहे हैं ये किसाइ है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक कैसा सॉल्ट है ये एक बेसिक सॉल्ट है तो उसकी जो पीएच कम हो गई है उस पी एच को ये बढ़ा देता है लेकिन ये फिर नुकसानकारी है क्योंकि होता क्या है कि ये जो स्टमक की या आमाशय की पीएच को ये छारिया बना देता है अब छारिया भी नहीं होनी चाहिए

जो आमाशय की दीवारें जो अधिक एसिड सिक्रीट कर रही हैं उसका इलाज नहीं है इसके पास में दो अलग अलग बातें हो गई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पहले काम में लेते थे क्यों बंद किया क्योंकि वो उसने पीएच को क्षारिया कर दिया जब क्षारिया पीएच होगी तो और अधिक अम्ल का उत्पादन शुरू हो जाएगा एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड क्या कर रहे हैं वो पीएच को क्षारिया नहीं कर रहे लेकिन वो क्या कर रहे हैं जितना एसिड बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं लेकिन वास्तव में जो बीमारी है जो वास्तव में जो एसिड सिक्रीट कर रहा है उसको नहीं रोक पा रहे तो इसके लिए हम क्या करें कुछ दवाइयां काम में ली जो सबसे पहले बनी वो सिमेटिडिन थी इसके लिए सबसे पहले जो दवाई बनाई गई वो कौन सी थी वो सिमेटिडिन थी फॉर्मूलिया दिखाई दे रहा है सिमेटिडिन का ये सिमेटिडिन बहुत लंबे समय तक सिमेटिडिन इसी काम में एंटासिड के रूप में काम में आती रही बाद में इस फिर ये बनी रेनिटेडीन जो आज तक काम आ रही है ये रेनिटेडीन वही है जो एंटासिड के रूप में काम में ली जाती है ये लगभग सिमेटिडिन जैसी है लेकिन इसका जो एक्शन है वो उसका निगेटिव इफेक्ट नहीं होता या इसके साइड इफेक्ट्स सिमेटिडिन की तुलना में कम होते हैं तो ये रेनेटिडिन बाद में बनाई गई जो एंटासिड के रूप में काम में आती है अति अम्लता के उपचार में स्टेमिन आमाशय के पैप्सिन के निकलने को उद्दीपित करता है आमाशय की दीवार में स्थित ग्राही के साथ स्टेमिन की अन्योन्य क्रिया को रोकने के लिए औषध सिमेटिडिन डिजाइन की गई इसके कारण कम अम्ल निकलता है देखो तो जैसे मैंने कहा क्या कहा पहले कि जो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड काम में ले रहे थे वे न्यूट्रलाइज तो कर रहे थे लेकिन आमाशय की दीवार से जो अम्ल निकल रहा था उसको रोक नहीं पा रहे थे उसके लिए क्या कर उन्होंने उन्होंने लिया सिमेटेडिन काम में कौन उनको सिक्रिट कर रहा था हिस्टामिन आमाशय में पेप्सिन को निकलने को उद्दीपित करता है जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में निकले अब ये किसके विरुद्ध काम करेगी सिमेटिडिन हिस्टामिन के विरुद्ध काम करेगी हिस्टामिन जो उद्दीपित कर रहा है उसको रोकेगी उसको भी ये रोक कर सिमेटेडीन ऐसा कर देगी कि उससे कम मामले निकले तो ये सिमेटिडिन भी सबसे पहले बनाई गई थी उसके बाद रेंटिडीन काम मिली प्रतिस्टामिन या एंटीस्टामिन हिस्टामिन एक शक्तिशाली वैसोडाइलेटर है वैसोडाइलेटर का मतलब है वाह का विस्फारक है अब इसका मतलब समझो मैं आपको समझाता हूँ ये वाहिक का स्फारक होते क्या है या वैसोडाइलेटर्स क्या होते हैं जैसे मानो हमारी कोई ब्लड वेसल है उस ब्लड में ब्लड बह रहा है या ब्लड फ्लो कर रहा है अब ये मानो वो सिकुड़ गई है या वो मोटी दीवार हो गई है उसकी तो ब्लड को फ्लो होने में ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा उस कारण से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो जब वैसोडाइलेटर्स देते हैं तो वैसोडाइलेटर्स क्या करते हैं उसकी दीवार को चौड़ा कर देते हैं विस्फारक मतलब बड़ा कर देना तो कोई भी वाई का मतलब कोई भी ट्यूब उसको वो क्या करते हैं बड़ा कर देते हैं या चौड़ा कर देते हैं उससे ब्लड आसानी से फ्लो हो जाएगा जब ब्लड आसानी से फ्लो हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ नहीं होगा तो जितने भी स्टामिन होते हैं उनके बहुत सारे काम है सनी नहीं स्टामिन का एक यही काम है स्टामिन के बहुत सारे काम होते हैं ये श्वसनिकाओं में यानी कि जो हमारे ब्रॉक्यूल्स हैं या आर नली की चिकनी पेशाओं को संकुचित करती है कॉन्ट्रैक्ट भी करती है और दूसरी पेशियों जैसे रुधिर वाहिका जिनकी मैं बात कर रहा था उनकी दीवारों को नरम भी रखती है ये स्टेमिन का काम है जुकाम के कारण होने वाली नासिका संकुलन और पराग के कारण होने वाली एलर्जी भी स्टेमिन के कारण होती है ये काफ़ी अधिक हम देखते हैं जब कभी मौसम परिवर्तित होता है अक्सर फरवरी मार्च के महीने में और सितंबर अक्टूबर के महीने में तो हम देखते हैं अधिकतर लोगों को खांसी जुकाम हो जाता है वो किसके कारण से होता है क्योंकि वो पराग के कारण से होगा तो नासिका संकुलन होगा इससे एलर्जी होती है तो एलर्जी का कारण भी क्या है स्टेमिन से अब इसको कम करने के लिए हमें क्या काम लेने पड़ेंगे हमें एंटी स्टेमिन काम में लेने पड़ेंगे एंटी स्टेमिन हमारे पास कौन कौन से हैं? जैसे ब्रोमफिनारमिन एक एंटीस्टामिन है टेरफेनाडिन ये भी एक एंटीस्टामिन है तो जितने भी स्टेमिन एक्टिविटीज हैं, उन स्टेमिन एक्टिविटीज को काउंटर करने के लिए उनको चेक करने के लिए उनको रोकने के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनके साथ कंपटीशन करने के लिए हम कुछ ड्रग्स काम में लेते हैं कुछ मेडिसिन काम में लेते हैं वो कौन कौन सी है उनको कहते हैं एंटीस्टामिन और वो कौन कौन सी है वो है ब्रोमफेनार्मिन या टेरफेनार्डिन ये टेरफेनाडिन ये क्या करते हैं एंटी स्टामिन की तरह से काम करते हैं ये क्या करेंगे आप देखो यह हिस्टामिन के साथ ग्राही की उस बंधनी सतह के लिए प्रतिस्पर्धा करती है जिस पर हिस्टामिन अपना प्रभाव डालती है याद हो तो हमने पहली वाली स्लाइड्स में पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था हमने कहा था ये कंपटिटिव इनिबिटर है ये जो काम करती हैं ड्रग्स कैसा काम करती हैं मेडिसिन कैसा काम करती है कम्पटिटिव इनिबिटर यानी कि प्रतिस्पर्धा करती है तो जिस सतह पर जाकर वो स्टामिन जुड़ रहा था रिसेप्टर की जहां साइट पर जाकर स्टामिन जुड़ रहा था उससे ये कंपिटिशन करेंगी और कंपटिशन करके क्या करेंगी खुद जाकर जुड़ जाएंगी जब स्टेमिन नहीं जुड़ पाएगा तो ज़्यादा उसको उद्दीपित नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो वो जो जितनी भी बीमारियाँ स्टेमिन के कारण से हो रही थी एलर्जी से या वो वैसोडाइलेटर्स के कारण से थी वो सब की सब क्या होगी इससे दूर हो जाएगी तो कम्पटिटिव इनिबिटर की तरह से काम करती हैं और किस पर प्रभाव डालती है स्टेमिन पर प्रभाव डालती हैं ऐसी सारी दवाइयों को हम एंटी स्टेमिन कहते हैं ये देखो आपको स्ट्रक्चर देखें ये ब्रोमफिनारमिन है जिसको डाइमेटिप भी कहते हैं और दूसरा जो स्ट्रक्चर दिया है वो पर फेनाडीन का दिया है जिसको सेल्डेन भी कहते हैं ये क्या है ये सब एंटीहिस्टामिंस हैं जिनको अधिकतर या बहुतायत से काम में लिया जाता है तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा हमने सबसे पहले सीखा कि केमिस्ट्री का या उसके बने हुए कंपाउंड्स का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है हमने सुबह से लेकर शाम तक जितने सारे हम केमिकल कंपाउंड्स काम में लेते हैं हमने देखा वो रसायन की ही देन है फिर हमने देखा कि तीन तरह की हमें यहाँ पर केमिकल कंपाउंड्स के बारे में बात करनी है आज की क्लास में हमने केवल किसकी बात की थी मेडिसिन की बात की थी पहले हमने उनका क्लासिफिकेशन देखा उनका वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं हमने देखा उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के आधार पर उनका वर्गीकरण कर सकते हैं उनका केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है उनका टारगेट मॉलिक्यूल के आधार पर किस मॉलिक्यूल से वो टारगेट करते हैं उसका भी वर्गीकरण किया जा सकता है फिर हमने देखा कि ये एंजाइम से किस प्रकार से क्रिया करते हैं एंजाइम हमने कहा कि सरफेस पर जाकर जैसे क्रियाधार जुड़ता है उसके साथ कंप इनिबिटर की तरह से ये ड्रग्स भी जुड़ जाती हैं या क्या करते हैं उसकी एलोस्टेरिक साइट पर भी ये जुड़ जाते हैं जिससे उसकी सरफेस की स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देते हैं तो वो ड्रग या जो केमिकल कंपाउंड था वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता तो पहले प्रकार से तो क्या हो गया कि वो उससे कम्पटिटिव की तरह से काम कर रहे हैं दूसरी प्रकार से जो मेडिसिन या ड्रग है इस प्रकार से जुड़ गई कि उसकी संरचना में ही परिवर्तन कर दिया जिसके कारण से वो रासायनिक पदार्थ उस पर आ ही नहीं पाता फिर हमने पढ़ा कि इसके कुछ ग्राही के बारे में रिसेप्टर्स के बारे में कि रिसेप्टर्स किस प्रकार से संदेश अंदर कोशिका तक पहुँचाते हैं उसमें भी हमने पढ़ा कि दो प्रकार के होते हैं एक एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ड्रग एगोनिस्ट क्या करती हैं उसकी जो एक्टिविटी है रिसेप्टर की उसमें चेंज कर सकते हैं उसमें परिवर्तन कर सकते हैं जबकि एंटागोनिस्ट किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते वो केवल सतह को ब्लॉक कर देते हैं इसके बाद फिर हमने कहा कि अब हम बात करते हैं डिफरेंट प्रकार की जो मेडिसिन हैं जो हम काम में लेते हैं उनकी बात की सबसे पहले हमने देखा एंटासिड की बात की हमने कहा कि जब हमारे शरीर में हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रीट हो जाता है तो उसको रोकने के लिए कुछ हम दवाइयाँ काम में लेते हैं पहले जैसे सोडियम हर्जिजन कार्बोनेट काम में लेते थे एल्युमिनियम या मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड काम में लेते थे उसके बाद सिमेटिडीन बनी और सिमेटेडीन के बाद आजकल रेनेटिडीन काम में लेने लग गए हालांकि डॉक्टर ये कहते हैं बिना कोई भी दवा एक सामान्य सी बात है बिना डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के उसकी परमिशन के नहीं लेनी चाहिए जितनी डोज जितनी मात्रा में जितने दिन तक डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं केवल वही मात्रा हमें लेनी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है वरना क्या होगा ज़्यादा लेने पर भी ये नुकसानकारी है नुकसान और कम लेने पर भी नुकसानकारी है इसलिए बहुत संयमित मात्रा में जितना डॉक्टर ने कहा जैसा डॉक्टर ने कहा वैसा ही हमें काम में लेना चाहिए अगली क्लास में हम और विभिन्न प्रकार की मेडिसिन के बारे में वो किस प्रकार से हमारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं यह हम पढ़ेंगे नमस्कार